अब दिखाते हैं हम आपको स्टार्ट करके। चलिए चलिए हम इसको स्टार्ट किए, स्टार्ट किए। अब इसको हम पीछे के तरफ लेंगे तो ये देखिए ये आगे उठ रहा है, ठीक है। और चलिए फिर लीवर पर, और इसको जो है सो हम आगे के तरफ धकाएंगे, तो आगे के तरफ धकाने से ये नीचे के तरफ हो जाएंगे, ठीक है। और इसी में चार फंक्शन होते हैं, और जैसे ये उठा, इसमें कोई सामान है जो सामान हमको नीचे की तरफ डालना है तो इसको इस तरफ डाल ले जाना है, जो इसमें लोडर में जो सामान होगा वो नीचे गिर जाएगा, और जो सामान हमको चलता है। हाँ तो ऑपरेटर साहब आप बताइए कि इसको आप कैसे चलाते हैं। जैसा हमारा बहुत मतलब सब्सक्राइबर लोग होते हैं वो पूछते हैं कि आप जेसीबी का वीडियो डालते बहुत हो, लेकिन कुछ अंदर के बारे में बताइए कि ये चलता कैसे है, वो चीज़ बताइए। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं आगे चलाने के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो ठीक है। सबसे पहले हमको आगे चलाना मशीन स्टार्ट करना है। ये मेरा चाबी स्विच है, ये जो चाबी स्विच है तो मैंने पहले ऑन करेंगे, ये दो बार ऑन होता है, एक बार ऑन होने पर मशीन में जो है सो लाइन आता है, दूसरी बार दबाने से ये स्टार्ट होता है मशीन। जैसे कि मतलब मशीन स्टार्ट हो गया, मशीन स्टार्ट होने के बाद ये एफ एन आर है, ये जो है सो एफ एन आर है। पहले हम इसको करेंगे जो आगे की तरफ चलना है तो आगे लेंगे तो ये आगे चलेगी, और ठीक सेंट्रल में आना है बीच में तो ये न्यूट्रल हो गया, गाड़ी न्यूट्रल हो गया। उसके बाद जो हमको बैक लेना है जिसे रिवर्स बोलते हैं तो इसे हम पीछे लेंगे तो ये रिवर्स हो गया। अब देखिए, और आगे चलने के बाद ये जो आगे देख रहे हैं आप ये लोडर है, ये जो लोडर है इसको चलाने के लिए इसमें चार लीवर होते हैं, जो ये है इसके सहारे ये चलता है। ये जो लीवर देख रहे हैं आप, ये लीवर जो इसमें चार लीवर है, हाँ, इसे ऐसे करने से मतलब पीछे के तरफ करने से लोडर आके आगे उठता है। अच्छा, पहले आप हम अब दिखाते हैं हम आपको स्टार्ट करके। चलिए चलिए हम इसको स्टार्ट किए, स्टार्ट किए। अब इसको हम पीछे के तरफ लेंगे तो ये देखिए ये आगे उठ रहा है, ठीक है। और चलिए फिर लीवर पर, और इसको जो है सो हम आगे के तरफ धकाएंगे, तो आगे के तरफ धकाने से ये नीचे के तरफ हो जाएंगे, ठीक है। और इसी में चार फंक्शन होते हैं, और जैसे ये उठा, इसमें कोई सामान है जो सामान हमको नीचे के तरफ डालना है तो इसको इस तरफ डाल ले जाना है, जो इसमें लोडर में जो सामान होगा वो नीचे गिर जाएगा, और जो सामान हमको इसमें उठाना है तो इसको उठाने के लिए हमको क्या करना होगा, फिर इसको इस तरफ लेना है, अगर कोई सामान इसमें रखना है तो ये ऐसे करना है, ये बंद हो जाएगा, बंद हो गया, इसमें जो सामान है अब सुरक्षित है। और उसको खाली करना है तो फिर इसी तरफ हमको ऐसे धकाना है, तो ऐसे धकाने से क्या होगा, वो गिर जाएगा आगे की तरफ। चलिए ठीक है, चलिए रोड पर जब हम चलते हैं तो रोड पर चलने के लिए ये गियर है, इसमें चार गियर होते हैं, हाँ, इसमें वन हुआ, टू हुआ, थ्री हुआ और फोर हुआ, चार गियर होते हैं रोड पर चलने के लिए। और लीजिए अब जो है सो पीछे के तरफ देखिए, ये हुआ बकेट, पीछे का जो बकेट चलाना है तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये स्टेपलेजर होते हैं, जो ये जो दोनों देख रहे हैं ये बगल के और एक ये भी, इसके लिए जो है सो ये लीवर दिया गया है। और सब इसे चलाने से पहले इसका रेस दबाना पड़ता है, जैसे हैंड एक्सीलेटर हुआ, इसको दबाएं रेस बन गया। और इसके साथ ये लीवर जो देख रहे हैं, ये लीवर को हम दबाएं, ये लीवर दबाने से दोनों स्टेबलाइजर का काम होता है। और उसके बाद जो है इसमें चार लीवर हैं और इसमें भी चार लीवर हैं, दोनों मिलकर आठ लीवर होते हैं। सबसे पहले इसका जो है बूम, बूम का इसमें पूरा फंक्शन दिया गया है, जैसे बूम में ऐसे ऊपर की तरफ हुआ और इसमें फिर ऐसे करेंगे नीचे की तरफ होगा, और स्विंग करना है तो इसको बाएं लेंगे और दाएं लेंगे, दोनों हुआ स्विंग। और ये जो है ये बकेट का है, बकेट का जो है
तो बकेट में चार भी होते हैं, बकेट में भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे बकेट का जो है सो डिफर का, तो आगे वाला फंक्शन हुआ डिफर। इसको देखिए, ये डिफर हो गया, उठ गया डिफर। और फिर हम उसी में लेंगे डिफर गिराएंगे, डिफर गिर गया। और चले बकेट, अब ये जो है आगे वाला बकेट, जो कि हम बकेट खोल रहे हैं, उसके तरफ धकाने से बकेट खुलेगा और इसके तरफ से आने से बकेट बंद होता है। और कुछ चीज जानकारी लेना है आपको? नहीं, बस हो गया इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारा ऑपरेटर साहब है, आप लोगों को सब जानकारी दिया है। जैसा कि बहुत सब्सक्राइबर हमसे पूछ रहे थे कि इसके बारे में बताइए, बारे में बताइए, तो बता दिए हैं। धन्यवाद ऑपरेटर साहब आपका, थैंक यू। क्या काम, सही बात है।